यहाँ पे जो है ना फ्री इंटरनेट भी दिया जाता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने आपको कोरिया में आम मार्केट्स तो दिखा दी हैं, लेकिन आज मैं आपको सस्ती मार्केट दिखाऊंगा, मतलब सस्ती इन अ सेंस के खाने पीने के हवाले से। यहाँ पे एक ऐसा भी ब्रांड है जो कि आपको खाने पीने की चीज़ें मतलब सस्ते रेट में देता है, और साथ में वो भी हलाल वाला इशू भी बहुत कम उधर होता है। तो चलें जाते हैं और देखते हैं। ऐसे मेरे साथ जो है ना उमर भाई भी हैं, तो हम मिल के जा रहे हैं। तो जी ये है नो ब्रांड, और अभी जाते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये तो नहीं रखते मेरे ख्याल में, छतरी वगैरह बाहर कोई नहीं लेके जाता। तो हमने टोकरियाँ शोकरियाँ उठा ली हैं, अब देखते हैं। ये सबसे पहली चीज़ ये देखें, मास्क, और इसका डब्बा कितना है, ये भी तकरीबन 7000 के 20 मास्क। अदरवाइज एक एक मास्क जो है ना 2000 का मिल रहा होता है। और इस तरह अब लेज हैं, लेज का एक पैकेट जो है तकरीबन 150 का है, लेकिन यही अगर बाहर से लें तो 300-400 का मिल जाता है। तो इधर तकरीबन बच्चों की चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं ना खाने पीने सारी आपको अच्छे रेट में मिल जाती हैं। अब ये देखें केक शेक है, अब यही केक शेक जो बाहर से लेते हैं तो एक जो पीस है तकरीबन 1000 वॉन का मिलता है, और इधर तकरीबन 400-500 के 12। इस तरह ये देखें, ये डब्बा है, अब इसमें 18 बिस्किट हैं, और टोटल 18 बिस्किट तकरीबन पाकिस्तानी 600 के बन जाते हैं। जब बच्चों की जिस तरह होती है जली शैली, तो अब ये देखें चॉकलेट वगैरह, ये भी 150 की है। तो वैसे अक्सर जब आप बाहर लेते हैं तो उसमें फोर्क वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और आपको अच्छी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्टोर में एक चीज़ ये है कि यहाँ पर सर्दियों में हीटर लगा हुआ होता है और गर्मियों में एसी लगा होता है, तो इस वजह से आप सुकून से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना फ्री इंटरनेट भी दिया जाता है। ये देखें वो लस्सी के छोटे छोटे पैकेट से बने हुए हैं, ये तकरीबन 20 पैकेट जो हैं वो तकरीबन 250 के पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह भी ये देखें पिज़्ज़ा वगैरह हैं, तो पिज़्ज़ा इसका जो रेट है वो तकरीबन एवरेज ही आप कह सकते हैं पाकिस्तानी। क्या हुआ वो देखें जी, हमारे जमील भाई सारा कुछ खरीद चुके हैं, थैले भर भर के लेके जा रहे हैं। अरे जी कोई चीज़ छोड़ी भी है आपने? मुझे क्या पता, मैं नहीं यूज़ करता, मेरे बाल नहीं फिर कंगे होते। ये देखें बच्चों की जितने भी चीज़ें हैं तो वो भी इधर पड़ी हैं। तो मतलब वैसे जो फ्रूट वगैरह वो इधर महंगा होता है, अदरवाइज बाकी चीज़ें इधर सस्ती होती हैं। टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं वो भी इधर महंगी हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे बाकियों के नस्बत सस्ती हैं खाने पीने के हवाले से ना। तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको दिखा दी हैं, इसके साथ साथ आइसक्रीम वगैरह या बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इधर पड़ी हैं। ये देखें कॉफ़ी का जो डब्बा है, तकरीबन 250 स्टिक्स होती हैं, तो ये भी तकरीबन 5000 पाकिस्तानी आप कह सकते हैं, ये भी उठा ली हैं। तो ये देखें ये सामान हमने उठा लिया है, और अभी पेमेंट का तरीका आपको दिखाते हैं। ये साथ साथ वो उधर टच करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि ये इतने हो गए हैं, इतने हो गए हैं। ये सारा सामान हमने उठाया है, और ये देखें उमर भाई ने उठाया है, इनका बिल बना तकरीबन पाकिस्तानी 7000, और मेरा भी तकरीबन 8000। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आप कोरिया में हैं तो लाजमी स्टोर का विज़िट करें, तो इधर लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।